देखने को कोई तैयार नहीं है भाई, दश्त भी बेदरो दीवार नहीं है भाई, हमने रमजान के इतवार के भी देखे हैं मियां, यहाँ सस्ता कोई बाजार नहीं है भाई। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, देख के हालात में घबरा गया, दो भाइयों का जोड़ा बिछड़ गया रे, एक लंदन गया और एक वो अंदर गया। पता नहीं पकड़ी है क्या क्या खिचड़ी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासु चौधरी। दुनिया न्यूज़ और मुज़ाकरात को देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़े रंग बिखरे हुए हैं इस तरफ। हाँ। लेकिन ताड़ी शर्ट कमाल है सर। अच्छा, पुरानी फिल्मों जो हीरोइन दे भरा इंदी शर्ट पाते थे। इसको अंदाजा नहीं, कम से कम 7.5 लाख रुपए के ऊपर मक्खियां लगी हैं। गरीब बंदा अगर फोन ले लेना अच्छा तो बंद गल कर देने। क्या बात है, चोरी का ही। जिन्ना मर्जी इंजा ही कर ला, चैना का लगता ही है। मेरा आदमी दो घोड़ा बोसकी बाले यही कहे, वाह वाह या तू अच्छी लगी या इमरान खान साहब न अच्छी लगी। तो गरीब आदमी दो घोड़ा बोसकी पा भी लाए तो उन्होंने कहे, लै मां प्यो तेरा धोती गुड़ता पाता है तेन बोसकियां चढ़िया। अमीर आदमी गोश्त खा रहा है कहते अल्लाह ने दिता भाजी खाओ। हाँ। गरीब आदमी खा रहे तो कमेटी निकली है। सर अमीर आदमी एसी लेके जा रहे हैं ना वैसे भाई। हाँ। ते मैं सा हर बंदा कहेगा भाई अल्लाह ने दिता लै सकदा तू भाई ट्रक भर के लै सकदा। ते गरीब बंदा एसी लेके जा रहा है ना तो पहली गल ही बंदा आए कर रहा पक्का तेन सहुरे ने लैके दिता। आदमी अपने सोरे जाके ना तो गर्मी बहुत ज्यादा, वो कहने आलो फड़ो 1,00,000 रुपया अपनी मर्जी का एसी लवा लो। हाँ जी। मैं अपने सोरे जाके क्या, मैं क्या गर्मी बहुत ज्यादा, कहने एक करी टेंडो और ग्राह हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं वो, जनाब चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर। तो फनकारों को भी मौका देना चाहिए। दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक जबरदस्त मॉडल एक्टर और वीजे भी रह चुकी है मोहतरमा मायरा खान। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े खास हैं। शेर आपके लिए लाया हूं सर। यारों की सोबतें हो के गैरों की तोहमतें। अच्छा, यारों की सोबतें हो या गैरों की तोहमतें, जिस रंग में रहा हूं नुमाया रहा हूं मैं। क्या बात। लेकिन जो ये सियासते दौरा है दोस्तों, इसके असर से खुद को बचाता रहा हूं मैं। पाकिस्तान च रहिंदे हो पाकिस्तान दा ही खांदे हो। पाकिस्तान च रहिंदे हो पाकिस्तान दा ही खांदे हो, थोड़ी जी मुश्किल आ जाए तो छड़ के लंदन क्यों नस जांदे हो। सर मेरा शेर तो हिब्बा के लिए आज। अरे वाह। मुझसे तुम गिला क्यों नहीं करते, मुझसे आखिर तुम्हें गिला क्या है। आए 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 आए। मुझसे तुम गिला क्यों नहीं करते, मुझसे आखिर तुम्हें गिला क्या है। दर्द ही देना था तो मोहब्बत कर लेते, सोफे पे सुई रखने की जरूरत क्या। शेर आपका पाकिस्तानी करेंसी की तरह ऊपर गया था और उसके बाद वैसे ही नीचे भी आया।
चोई साहब क्या हाल चाल है आपके? दुआएं, थैंक यू वेरी मच अलहमदुल्ला। माशाल्लाह आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं, आपके प्रोग्राम में आए तो फ्रेश होकर आना चाहिए। माशाल्लाह सियासत नागिर ने गुर्दे थे डॉक्टर लग रहे ने। ये तो अब आपको भी देखिए इतने फ्रेश लग रहे हैं कि आपके ख्याल में गुर्दे का डॉक्टर इतना फ्रेश होता है? चोई साहब वाले बंदे ना डायबो के एक रफड़ पाया हूं, बस तब चलेगी जब चिप्स मुझे देंगे। मगर सर ये तो माशाल्लाह और ऊपर से स्टाइल सेंस बड़ी कमाल है, ये आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू। ये सर अभी से है या पहले से सिलसिला जारी है? शुरू से। ये फादर से इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड है, यानी कि सियासत के साथ साथ स्टाइल भी वहीं से इनहेरिटेड है। सर मुझे ये बताएं कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हैं आप दोनों, तो ये क्या ये ब्लू जो था आपने डिसाइड किया था पहले? ये कहीं नहीं कहते, कराची की तार मिली आपस में। कराची? अच्छा आपको पता है कि वो कराची से है? पूछा मैंने इसलिए। अच्छा आप बात करना शुरू हो गए थे हमारे बुलाने से पहले, तो क्या आपने कहा? हमने कहा अच्छी बात है, वेलकम टू लाहौर। तो आपने कुछ पूछा इनसे कि आप पॉलिटिशियन हैं, कौन सा हलका आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुई है, तो क्या बताया जो इसमें आपको? इन्होंने मुझे बताया कि ये पूरी जिंदगी कराची में रहे हैं। ओ अच्छा। यस, बस इतनी सी बात हुई। इतनी सी बात हुई। फिर उसके बाद मेरे ड्रेस के सारे मोती निकले जा रहे थे। मैंने कहा देखे ना, जब तक जाऊंगी सारे मोती निकल जाएंगे। तो इन्होंने आगे से कोई हम अफसोस कर, आप मोतियों को छोड़े आपको हीरा देख रहा है। हीरा तो देख रहा है, मगर इन्होंने इस पे दुख का इजहार किया। दुख का इजहार किया इन्होंने। अच्छा ये कंसर्न भी शो किया कि मोती गिर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम दुख कर रहे थे पीछे बैठ के, दुख भी कर रहे थे। तो सर ये जो है इस तरह दुख जो है आप कर देते हैं? सारी बात है कि साथ ही है, बैठे साथ में, उनके नुकसान हो तो बंदे को दुख तो। अच्छा मतलब साथ बैठे हो जो, तो आप उनके साथ दुख का इजहार करते हैं, आप उनका दर्द भी महसूस होता है। तो वो जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं आपके साथ, उनका जो मिनिस्टर पे मिनिस्टर जा रहा है उस पर आप नहीं अफसोस कर रहे? सर वो तो उनकी अपनी नाहली है और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो दर्जी की नाहली है उसको नहीं आप तनकीद कर रहे? दर्जी को कहा है ना। ये अच्छा है, आप वोट डालती है बीबी? टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने नहीं डाला। नहीं डाला? नहीं, आई वाज ट्रैवलिंग। अगर फर्ज करें कि ट्रैवल ना कर रही होती और अपना वोट आप डालती तो किसको डालना चाहते? नवाज शरीफ की पार्टी। नवाज शरीफ को? ओए होए 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 होए। Not because he's sitting there, only because I like that government. अच्छा, you like it? बताइए मुझे क्या क्या अच्छा लगा आपको, क्या मिस करती हैं? मुझे मैं मिस करती हूँ वो आराम, मुल्क के हालात ठीक ही थे। अच्छा। मतलब अब जितने बिगड़ते जा रहे हैं इतने बिगड़े भी नहीं थे। Everybody is sad nowadays, ना? मगर आपके ख्याल में क्या वजह होगी सैड होने की? Obviously मुझे पता है चीजें। पेट्रोल 108 का एक तो हो गया, ठीक है ये वजह है। महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जारी लोगों के फिर जिंदगी बसर तो होना होना इसका। ओए हो, 10 साल तो लगेंगे ना इस गुर्बत में अब हमें। और अगर 10 साल के अंदर भी आगे यही गवर्नमेंट हुई तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, सहना पड़ेगा जैसे पूरी जिंदगी। ओए हो, चोई साहब आपके तो वोटर सहने को तैयार हैं। सर वोटर का तो दुख तो हमें है ना सर। तो आपको देख के लग नहीं रहा कि वो जितनी वो दुखी लग रही है आप उतने दुखी नहीं लग रहे मुझे? मैं आपको देख के खुश हो रहा हूँ। वाह 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 वाह, आपका बड़ा प्यारा प्रिंट पहना है शर्ट का आपने। और ऊपर से वाइट जींस सूट्स यू सो मच। माशाल्लाह नून लीग की खुशी जो है वो मेरे प्रिंटों पे आ चुकी हुई है। तो, अच्छा यानी कि ये शर्ट जो पहने आपको अच्छा लगता है? अच्छी लग रही है आपको? तो फवाद चौधरी को अच्छी लगेगी? कौन फवाद चौधरी? वो कौन फवाद चौधरी? कोई भाजी बंदे जो हिसाब नहीं मंगन दे। वो फिलहाल तो चांद का हिसाब बना रहे हैं। हाँ वैसे ये भी है कि वो चांद का हिसाब लगा रहे हैं, तो आप लोग चांद कब चढ़ा रहे हैं? नया तो मजीद चांद चढ़ाना है अभी? देखिए चांद तो ये गवर्नमेंट चढ़ा रही है, चढ़ा रहे भाईजान। अच्छा जी यही चढ़ाना तो। मगर वैसे वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रहे आपको, बाहर हो रहा कि पॉलिटिशियन लग नहीं रहे। एक तो एक पॉलिटिशियन के चेहरे पे इतनी एक स्माइल नहीं होती, और खासतौर पर अगर वो नून लीग का पॉलिटिशियन हो आजकल। मतलब ये देखिए आप मानते हैं आप भी वैसे फैसला बात के हैं, राणा साहब भी फैसला बात के हैं, तो कभी कोई एक्सचेंज नहीं किए नोट्स आपने? राणा साहब सीनियर हैं, सोचती है गपशप होती है। सीनियर की तुसी उन्होंने गोडे नो तला के तकरीर कर दे। सजा दी मैंने उसको, शॉपिंग ही करा दी मैंने, चिपका खर्चा बचाने की खातिर साइकिल उसको सिखा दी मैंने, देखनी थी कोई हॉरर मूवी फिल्म शादी की चला दी मैंने कि न से आना मैं। स्वैग समझते हैं? हाँ जी। क्या स्वैग है? स्वैग शुगर दी एक किस्म है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मायरा आप तो ट्रैवल करती रहती हैं बहुत ज़्यादा जैसा कि आपने बताया, तो और अब आप ये भी देख रही हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं, तो ये मुश्किलात आपको बाहर की दुनिया में नज़र नहीं आती? पेट्रोल महंगा तो बाहर भी नहीं हो गया?
आता है सब, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट आपको एटलीस्ट सपोर्ट तो करती है, बीइंग ए सिविलियन। मगर मुझे एक बात बताएं, ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट आप कह रही हैं जो कि कॉमन सिटीजन्स के लिए होती है, चाहे वो वेलफेयर हो या फिर वो मेडिकल्स हो, ये तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी नहीं थी जी, ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट में भी नहीं थी, और मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली जो वेलफेयर स्टेट का होता है ये चीजें तो वहाँ भी नहीं है। पर गरीब आदमी गरीब तो नहीं होता जा रहा था ना इतनी जल्दी। अच्छा, आपके ख्याल में कि ये जो भी पीटीआई गवर्नमेंट में गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, होता जा रहा है ना, बिकॉज नो, एक गवर्नमेंट आती है, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद यू ऑब्वियसली यू सी अ डिफरेंस, बट यू जस्ट डोंट सी गुर्बत एवरीवेयर एंड पीपल सेइंग ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ तो यही हो रहा है ना, कोई भी खुश नहीं है। चोई साहब, ये तो मतलब इतनी पॉलिटिकली अवेयर खातून हैं, तो आप इनको क्यों नहीं नूरलिंग में आने की दावत देते? इंशाल्लाह गुफ्तगू आज मुलाकात पहली हुई है। अच्छा, आगे भी नहीं है। सारी बातें भी पार्टी के अंदर किसी को दावत देने में हर्ज तो कुछ नहीं भाई। तो आप यहाँ दावत दें हमारे सामने, आपने पार्टी की दावत देनी है, पार्टी की देनी है। सालन ठंडा मिलना जे। इतने आप एक मशाला खुश शक्ल इंसान है और इतना स्टाइल है, तो कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते रहते होंगे। स्वैग तो है। और बोलिए। बस काफी है। स्वैग इज वेरी एवरीवेयर। उस तरफ उस कैमरे में वो वाला भाभी देख रही है। स्वैग तो है भाभी। स्वैग तो है। स्वैग समझते हैं? हाँ जी। उनका स्वैग है, स्वैग। शुगर दी एक किस्म है। मेरा प्लीज आप इनको भी क्लियर कीजिए कि स्वैग क्या होता है। स्वैग होता है जरा एक स्टाइल, अंदर का एक ऊफ, एक एक्स फैक्टर, एक ऑरा, उसको मिला के कहते हैं स्वैग। आपका मतलब मी। यार बात सुनो, एक तो तुम्हें वो तो इतनी जबरदस्त आज नए नए वर्ड्स मायरा बताए गई हैं, अब न जाने आगे किस किस गेस्ट के ऊपर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं नहीं, वैसे आपने ये कहना है लोगों को जो गेस्ट आएंगे, उनको कहना है कि आपका बड़ा स्वैग है। साढ़े तो जो पकया साग पकया स्वैग। आप उनके स्वैग से जल तो नहीं रहे? जो मर्जी की ना, लुक अच्छी है, पेंट शर्ट अच्छी है, इतों तो बेड़े गर्क होए ना। क्या हार निकाली है इसने, इसे कहते हैं एंड कार निकालना। और ऐसे ही आप ना करें, मतलब सब कुछ सिंक में है, फ्रॉम द शूज टू द पैंट्स टू द जैकेट एवरीथिंग। और जहां तक बालों की बात है, ये इनका नेशनल पार्टी हेयर स्टाइल है। ये भी एक मोहब्बत का तरीका है शो करने का, सही कहा मैंने सर? बिल्कुल सर। सर वैसे मुझे ये बताएं कि एलवी के जूते आपने पहने हुए हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं, इनको बताइए कि ये कहां से मिलते हैं? ये मेरे बड़े भाई इंग्लैंड में होते हैं, वो भिजवाते हैं, मैं पहन लेता हूं। आपके भी बड़े भाई वहां से भिजवाते हैं जी? और क्या क्या भिजवाते हैं भाई? माशाल्लाह। तो जिनके भाई ना हो इंग्लैंड के अंदर, वो क्या करें? वो हमसे रब्ता करें, हमें अपना भाई बनाए, हम उनको भी खिदमत करें। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान तरीका। एलवी के जूते हासिल करने का इससे आसान तरीका, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। तो आप भाई बनाना चाहेंगी? भाभी बना लिया ना पे, जो भाभी देख रही है बना ली भाभी। अच्छा, पहले बना चुके भाई। मेनू भावे एक पैर ला दे, मेनू भतीजा बना लो। You know, I am very happy today. Why? I am going to change my passion. Oh. Rati mere te aakhri kari aa gayi si. Acha. Maran laga sa. Why? Fir main socha kariyan da kam karna. Vaach mechanic da kam karan laga. You know, ode ch bada fayda hai. Te main I went to the baldiya. Okay. You know, a few days pehle utthe encroachment hoyi. Ha. छोटिया छोटिया मैं पेचकसियां लैनियां ने। अच्छा। निकिया निकिया पलासियां। ओ क्यों?
पैंडा पौनिया फिर जमानत करा हो मियां दे नारे वजने वजने जी मियां दे नारे वजने वजने जी मियां दे नारे वजने वजने जी मियां दे नारे वजने वजने मियां दे नारे थोड़े थोड़े वजने जी तुम क्या चाहते हो फुल टाइम बजाने जे ते 7000 रुपया 7000 रुपया च मेरा समान आएगा मैं दुआवां देंगा नहीं तो कोई बाजी का भी सदका सुदका तो दियो बाजी थोड़ी भैन आ भैन का कोई सदके नहीं ले जाए पाओ 500 पाओ जो पाओ और बोलो आई लव तुहाडे चेहरे तो मन लग रहे सी तुहाडे कोल 500 ही हो रहे न्यूयॉर्क अब कितनी मत हो गई मैं तो जा रही हूँ पिछले 10-15 साल से देखिए ना मैं एक बार तो भी नहीं गया वेलकम बैक टू मुज़ाकरात मायरा ये बताएं काम अब कम क्यों करती हैं अब मैंने करने शुरू कर दिया ज्यादा मगर ये क्या कोई वजह हुई कि आपने एकदम काम कम करके ट्रैवलिंग पे जोर दे दिया सारा एक बोरिया जब अपने प्रोफेशन से हो जाए अपने काम से हो जाए तो बंदे को ज्यादती नहीं करनी चाहिए उसके साथ फिर आराम ले लेना चाहिए अच्छा तो मैंने फिर आराम ले लिया 2-3 साल का फिर मैंने तो आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया इस दौरान इस दौरान तो मैं न्यूयॉर्क में ही थी अच्छा न्यूयॉर्क चली गई आप जाके वहाँ पे आपने एक्सप्लोर किया दोबारा अपना पैशन एक्सप्लोर किया थोड़ा स्टडी किया फिल्म मेकिंग फिर उसके बाद वापस आई फिर चली गई फिर वापस आई फिर अब जब वापस आई तो मैंने कहा नहीं अब मैंने कहीं ट्रैवल नहीं करना बस लाहौर तक आना है मुज़ाकरात में और बस कराची चली न्यूयॉर्क अब कितनी मरतबा गई हैं मैं तो जा रही हूँ पिछले 10-15 साल से देखिए ना मैं एक मरतबा भी नहीं गया अपने अपने नसीब की बात होते उधर मिलना नहीं था हमने मिलना ही इधर था exactly, yes. वाह वाह बिल्कुल हमारी मुलाकात ही तीसरी है आपको पता है ना इस बात जी माशाल्लाह जी मुझे तो मुझे पता है मैं इनको नहीं बताना मैं आपको लाइक करती हूं कि मैं कहती हूं कैसे जाऊं मैं बस आपसे मिलने ये इनको बताएं इनको सुन लिया उन्होंने मुझे माइक लगा हुआ है ये क्या इसमें सच्चाई है या आप इनका दिल रख रही हैं नहीं देखिए वो हमारी आपस की बात है हमारे घर की बात है आपस की बात आपस में रखना श्री को छोड़ो मगर कैसर किया मामला देखो ये है कि अगर आज आपकी तीसरी मुलाकात है और तीसरी मुलाकात आई बिलीव यहीं पे हो रही है हाँ जी सो चौथी या नहीं है वो हम आपको नहीं बताएंगे मगर वो नहीं कर रहे और उनको ट्रैवल करने का शौक नहीं हुआ हाँ जी हाँ जी तो अब आप अब हम साथ न्यूयॉर्क जाएंगे वहां से आप न्यूयॉर्क जा सकते हैं हाँ जी मैं जहाज का कंडक्टर है गांव नहीं मतलब वीजा चाहिए होता है उसके लिए और ऊपर से आपको आपको पता है मेरा है क्या क्या है मेरा अल्लाह है
मगर नहीं, मगर वैसे आपको देखे कोई न्यूयॉर्क के बारे में कुछ अपने आपको प्रेपअप करना चाहिए कोई? मुझे बताएं क्या क्या होता है उधर, मैं गया नहीं कभी वैसे, ना बस पैदल बहुत चलना पड़ता है, हमारी तरह आयाशी नहीं होती वहां पे। वीजा रहने भी चोंदी हो जा सीधा ही। आपको देखे, आपके फोन में जो एक गूगल है उसको इस्तेमाल करें और न्यूयॉर्क के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें कि वहां पे टूरिस्टी चीजें क्या है करने वाली, व्हाट आर द गुड प्लेसेस टू ईट टू हैंग आउट, ताकि आपको पता चले कि आप अगर उनके साथ अगली मुलाकात आपकी न्यूयॉर्क में खुदा ना खास्ता हो गई तो आप कुछ आपके पास हो तो सही शो करने। सर तुसी इजी हो, वो साढ़े जिन्हें जेहर मिलते ना असि चनोट भी सही रहेंगे। किरायेदार है ना, आपकी चॉइस के ऊपर भी आपने कह ही दिया उनको कि न्यूयॉर्क में मिलना मैंने अगली बार। नहीं तो क्या नहीं जा सकता मैं? नहीं, आप तो जा सकते हैं। आपको पता है ना न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे आप जैसे लोगों को वो 6-7 घंटे बिठाते हैं। मायरा के लिए मैं सारी जिंदगी फंस सकता हूँ। हेलो, बस बात खत्म। मायरा दी एंड हो गया भाई, इसके बाद तो मतलब अब नहीं कुछ बनता, बेहतर है आपके और टॉपिक पर आ जाओ। ओहो, अच्छा, रेडी वन, रेडी वन, टू थ्री फोर। भला मियां साहब ने बुलाया ना, मैनू कहते ने कम टू मी एंड लंच कट्ठे, लंच कट्ठे कीता ना। अच्छा, ओए ओए बड़े हैप्पी सन। मैनू कहते ने यार बड़े अरसे तो बाद आया। मैं कहा सर तुसी भी तो बड़े अरसे तो बाद आए हो। मैनू वेख के नाराज हो गए। क्यों? पौना घंटा मैनू कान फड़ाई रखे ने, फिर मुंह ही नहीं कीता। मैनू कहते ने मैं तेरे नाराज हूं। अरे क्यों? मैं कहा सर क्यों मैं नाराज हूं? कहते ने यार तेनू पता भाई तू मैनू कहा सी के बाहर चले जाओगे। हाँ। ते मैं क्या सर तुसी 6 हफ्ते वास्ते बाहर गए ने। हाँ। मैंने कहने ने इस बार नहीं। हाँ। उस बार। ओ। मैं क्या ओ ते मैं छोटे मियां साहब वास्ते क्या सी गए नहीं। हाँ। ये भी है। कहने ने हाँ आओ ते चले गए ने। हाँ। मैं क्या सर तुसी बाहर चले जाना सी तुहाडे टेस्ट ही नहीं मुके। ओ। भाई तुहाडे टेस्ट मुक जांदे इन्नी देर च वनडे शुरू हो गया ते फिर तुहानू वापस आना पिया। मैनू कहिंदे ने वर्ल्ड कप हो रहा उत्थे। अच्छा। मेरा बड़ा दिल करदा सी कि मैं वनडे ग्राउंड च बह के ते लाइफ देखदा। ओहो, तैनू पता मेरे नाल क्रिकेट नाल मैनू किन्ना लगाओ है। क्या वी ऑल नो। मैं कहा सर क्रिकेट नाल तुहानू जिन्ना लगाओ है अगर कप्तान नाल इन्ना लगाओ हुंदा ते मैच फसदा ही ना। तेरी उंगल आई है कि गर्दन आंदी है ना। अचानक बुआ खोलना सी ना क्योंकि मैं जिंदगी तुम्हें पता भी एक्सरसाइज बड़ी की बहुत ज्यादा। जेड़ा बंदा एक्सरसाइज करता ना ओनू टेंशन हो ही नहीं सकती। आजकल की हो रहा है मैं अभी इंटरव्यू के दरमियान में हूँ। ओ शबाज चौधरी साहब, चौधरी शबाज, चौधरी शबाज बाब जी, शी इज माई गुड फ्रेंड, ही इज योर गुड फ्रेंड। यस, इवन अपना हिज फादर चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब, माय गुडनेस माय लवली मैन। अच्छा, मेरे वाला साहब दे भी दोस्त सन। अच्छा, मेरे भी दोस्त सन। क्या बात है। क्यों? क्यों? क्योंकि खिदमत बड़ी करते सन। अच्छा भाई, आम लोगों की खिदमत करना। हाँ। मुस्लिम लीग लून नून, हाँ मतलब नून, नून। हाँ। लेकिन पब्लिक नु ला रहे ने लून। अरे वो तो अपोजिशन में है। हाँ। माशाल्लाह मारा खान साहब। हाँ। असली मारा खान साहब। हाँ। ओए 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 ओए, बड़े अवार्ड माशाल्लाह लेने मेरी वजह तू।
आप यार अवार्ड आवाम की वजह तो मिलता ना, बिल्कुल मिलता भाई, फैंस की वजह तो मिलता, बिल्कुल। ते कौन है तुम्हारा फैन? तुसी। हेलो जज्बात फोटू हो जाए किधरे अपना मैडम तुसी बनाओ ना तो मैं बनाऊनी नहीं आऊंगी। ये आजकल क्या हो गया वैसे? क्या हाथ में फोन पकड़ा देते, कहते जी आप सेल्फी ले ले, होता है मैंने बनाने नहीं नाम दे जी। एक मिनट ठहरो, मैं थोड़े पीछे आ जावा। यस, ये ताकि भाई जी ने ना आवे। ऑप्शंस आपके पास हैं, फवाद खान, चौधरी शहबाज और कैसर पिया। पिया जी वो ही जाएंगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो किससे आगाज करें? और देखें उन्होंने आपको आगे कर दिया। ये बता दीजिए इनमें से किसके साथ ली गई सेल्फी आप सोशल मीडिया पे लगाना चाहेंगे, किसके साथ ली गई सेल्फी को आप अपने फोन की पिक्चर गैलरी में रहने देंगे, और कौन सी सेल्फी है जो कि आप डिलीट ही कर देंगे। ठीक है जी, ऑप्शंस आपके पास हैं, माहिरा खान, महवेश हयात और सबा कमर। तो कौन सी सेल्फी है जो कि आप सोशल मीडिया पे लगाना चाहेंगे? मतलब माहिरा नहीं, मैं वाली नहीं, वो ये दूसरी वाली माहिरा खान। दूजी केड़ी माहिरा? मैं तैनू जाना भाई। ओह चलो ठीक है, ये वाली माहिरा। अभी अपनी बहन दी लावांगे भाई। ठीक है जी, माहिरा खान की सेल्फी आपने लगा दी। अब बताएं फोन गैलरी में कौन सी रह रही है? महवेश हयात। ठीक है, और डिलीट आपने कर दी सबा कमर के साथ सेल्फी। ठीक है सर, ये बताएं राइडिंग करते हैं आप? राइडिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, क्या बात है भाई साहब, समुद्री के इलाके में आप फिर रहे हैं, अपनी जमीनों पे घोड़ा दौड़ाते चले जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि एकदम दरिया किनारे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको अपने साथ आप घोड़े बिठा के लेके जाना चाहेंगे ताकि उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी और माहिरा खान। मेरे ख्याल से बहन है, बहन को बिठा लूंगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मैं बहुत देर से खड़ी थी पता है। बिल्कुल, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि इनके पार्टी के लीडर भी हैं, वो वहीं खड़े रह जाएंगे। स्मार्ट हैं, वो कर सकते हैं अपना, वो अब आप में खसूसियात ढूंढ रहे हैं चलने वाली कि आप स्मार्ट हैं, आपको मुझे चलना चाहिए। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। मरियम हमारी बहन है जी, लीडर। मरियम नवाज साहिबा को जैकेट मिलेगी, हमजा शहबाज साहब आपको जैकेट नहीं मिल रही। मायरा जी, जी एक तस्वीर बड़ी सी मजबूरी के तहत ब्लो अप और फ्रेम करा के आपके घर में लगेगी, आपकी नजर सबसे पहले सुबह उठते ही उस पर पड़ेगी। वो तस्वीर आप इनमें से किसकी देखना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आई थिंक आसिफ अली जरदारी साहब की। कोई खास वजह? ही इज अ वेरी शार्प बिजनेसमैन, सो आई वुड जस्ट बी लाइक हां, उनको देख देख के कि हां इन्हें ना उन्होंने जगह तुसी अंदर हो जाओ। तस्वीर देखनी है सिर्फ, तस्वीर देखने से। ये बताइए, हाँ जी, टाइटैनिक पे जाने का वक्त, हाँ जी, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। वो दूसरे वीआईपी पास पर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद और चौधरी शहबाज बाबर। ऑब्वियसली मैं चौधरी साहब को लेके जाऊंगी साथ, हुमायूं तो जाते रहते हैं ना। पैंट ऊपर कर लो, डूबना आ जाए। नहीं नहीं भाई, बताएं जी कौन जा ही रहे भाई, बड़ा रोमांस हो जाएगा, तो मैं फिर अपने भाई को ही ले जाऊंगी साथ, बच बचा के कहीं से तो निकल जाएंगे ना। चौधरी साहब आपके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहती हैं, वो हुमायूं सईद साहब आप टाइटैनिक से फारिग हो चुके हुए हैं क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि ये टाइटैनिक पे साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये बताइए आप भी जा रही हैं लॉन्ग फ्लाइट पे, न्यूयॉर्क जा रही हैं? सही है। ठीक है जी, न्यूयॉर्क जा रही हैं और साथ वाली सीट खाली है, लोग आके पूछते हैं कि जी माहिरा अगर आप इजाजत दे तो हम आपके साथ बैठ जाएं। इनमें से किसको आप अपने साथ बिठाना चाहेंगी 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, चौधरी शहबाज और कैसर पिया। पिया जी, पिया जी वो ही जाएंगे, पिया जाएगा।
कोई ना साढ़े तीन की फैमिली का मसला तुम इसी रोक मसला यह है कि इस पूरे मामले में फवाद खान भी रखने गए ये फायदा होगा कि चलो साढ़े वाला तो गया नहीं मगर ठीक है ले फिर डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास एक आपकी अपनी दूसरी किसी और को दे सकती है वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी ऑप्शंस हैं आपके पास अदनान सदीकी और हुमायूं सईद हुमायूं को बचा लूंगी हुमायूं को बचा लेंगी क्योंकि मैं हुमायूं से टाइटैनिक पे नहीं गई ना हाँ मगर बचा लिया आपने अदनान सदीकी डुबो दिए अदनान सदीकी साहब आप हैं वो शख्स मिला अदनान अंडरस्टैंड्स ना सो ही कैन अच्छा वो अंडरस्टैंड भी करते हैं ये बात वो ये बातें अंडरस्टैंड करते हैं अदनान भाई इन्होंने हमें यही बताया कि आप ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि लड़कियां आपको अक्सर डबो देती हैं तो इसके बारे में मैं नहीं जानता था इन्होंने ये रोशनी डाली है चोई साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मायरा एंड वी होप टू सी यू मोर ऑफन नाउ और आप ट्रैवलिंग कम करिए और काम पे ज्यादा ध्यान दें हम उम्मीद करते हैं डीजे भाई आ जाए फिर